हेलो स्टूडेंट, सो आज हम मैनोमीटर का हमने जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो तो कंप्लीट कर लिया है। आज से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आज हम एक जो हमने पढ़ा हुआ है, जो सिंपल मैनोमीटर है एज वेल एज डिफरेंशियल मैनोमीटर है, उसके बेसिस पे हम लोग वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला न्यूमेरिकल देखिए, द राइट लिंब ऑफ द सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर कंटेनिंग मरकरी इज ओपन टू एटमोसफेयर वाइल द लेफ्ट लिंब इज कनेक्टेड टू पाइप इन विच अ फ्लूड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 इज फ्लोइंग। द सेंटर ऑफ पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मरकरी इन राइट लिंब। फाइंड द प्रेशर ऑफ फ्लूड इन पाइप इफ द डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल इन द टू लिंब इज 20 सेंटीमीटर। तो देखिए, मैनोमीटर के ऊपर जो न्यूमेरिकल होते हैं उसको आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये इस तरह के स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया रहेगा, आपको इसके बेसिस पे डायग्राम बनाना है। ओब्वियसली वो क्लास अगर हम मेरा अटेंड करते हैं तो आप डायग्राम बनाना सीख जाएंगे। तो ये डेटा दिया रहेगा, बहुत रेयर चांस रहेगा कि डायरेक्ट जो फिगर जो हमने डिस्कस किया था कि वो फिगर दिया हुआ था और डायरेक्ट हमने वहाँ पर कैलकुलेट किया था। स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया रहेगा, आपको क्या करना पड़ेगा उसको डायग्राम बनाना पड़ेगा और डायग्राम बना के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो काम रहेगा, क्वेश्चन को दो बार रीड करना है। दो बार रीड करने के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो गिवेन डेटा है वो लिख लेते हैं। तो दूसरा काम आप करिएगा कि जो गिवेन डेटा है वो लिख लीजिएगा। अब गिवेन डेटा में क्या, जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, बट हमें क्या चाहिए, रो की वैल्यू चाहिए, क्लियर है। तो हम सारा जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगा उसको रो के फॉर्म में कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे हमें क्या क्या यूज़ होने वाला है, कुछ रो और हाइट। तो हम लोग क्या करेंगे, रो को भी एसआई में कन्वर्ट कर लेंगे और अगर जो हाइट दिया रहेगा उसको भी एसआई में कन्वर्ट करके पहले से रख लेंगे, ताकि वहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट वैल्यू पुट करना पड़े। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं और यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम भी या साथ साथ हम गिवन डेटा भी लिखते जाएंगे और डायग्राम भी बनाते जाएंगे, वो दोनों काम किया जा सकता है अगर आप धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाओगे तो। या आप पहले ये कर सकते हो कि पहले आप डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाने के बाद गिवन डेटा लिख लो, तो कोई भी काम कर सकते हो, क्लियर। स्पेस दे दो यहाँ पे कि गिवन डेटा ये चीज़ें होंगी और डायग्राम हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं कॉपी में भी। तो देखिए, पढ़ते जाते हैं, लिखते जाते बनाते जाते हैं। और राइट लिंब ऑफ सिंपल यूट्यूब, कुछ यूट्यूब मैनोमीटर, अगर यूट्यूब है तो आप डायरेक्ट यूट्यूब वाला याद रखो कि कुछ यूट्यूब मैनोमीटर हमने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ था। यूट्यूब मैनोमीटर कुछ हमने ऐसा बनाया हुआ था, आपको अगर याद आ रहा होगा तो पिछले क्लास में, क्लियर है, कुछ इस तरीके से हमारा बना हुआ था, क्लियर है। तो अब क्या बोल रहा है, और राइट लिंब ऑफ सिंपल यूट्यूब, अब यूट्यूब का ये वाला राइट लिंब हुआ और ये हमारा लेफ्ट हुआ। ये मैं लिख भी देता हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ये हमारा राइट लिंब हो गया और ये इसका जो है वो लेफ्ट लिंब हो गया। और राइट लिंब ऑफ सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर कंटेनिंग मरकरी इज ओपन टू द एटमोसफेयर वाइल लेफ्ट लिंब इज कनेक्टेड टू अ पाइप। देखो क्या बोल रहा है, एक यूट्यूब मैनोमीटर है जिसका राइट लिंब है वो एटमोसफेयर में है, एटमोसफेयर में है, इट इज ओपन टू, यहाँ लिखा है ना, इज कंटेनिंग मरकरी, मतलब ये मरकरी मतलब कि फ्लूड कुछ रखा हो, कुछ फ्लूड कंटेन किया हुआ है मरकरी, जिसको कि हम रेड से डिनोट करते थे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये मरकरी यहाँ पे कंटेन किया हुआ है राइट लिंब, अभी राइट लिंब का बात कर रहा है, और ये यहाँ पे ये किसके मतलब एक्सपोज है, एटमोसफेयर, मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, एटमोसफेयर है, यहाँ पे एटमोसफेयर है, जबकि इसका जो लेफ्ट लिंब इज कनेक्टेड टू अ पाइप ऑफ अ फ्लूड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब अगर ये एक पाइप है या कंटेनर है तो लेफ्ट लिंब उससे कनेक्टेड है और ये क्या कंटेन किया हुआ है,
ये एक फ्लूइड कंटेन किया हुआ है जिसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितना है, 0.9, एस की वैल्यू 0.9, क्लियर है। यहाँ से हम रो निकाल सकते हैं। और क्या दिया हुआ है, ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, द सेंटर ऑफ पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मर्करी इन राइट लिम्ब। तो ये बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन, अगर मान लीजिए ये पाइप का ये सेंटर है, तो ये वाला पॉइंट को मान लीजिए हमने ए पॉइंट डिनोट कर रहे हैं, तो इसका जो ये जो सेंटर ऑफ प्रेस, सेंटर ऑफ पाइप और जो मर्करी राइट लिम्ब है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। द सेंटर ऑफ पाइप, ये पाइप मान लेते हैं, पाइप का सेंटर इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मर्करी इन राइट लिम्ब। मतलब अगर ये राइट लिम्ब में ये जो मर्करी है, ये जो HG फ्लूड है, या इसको रो रो बोल देते हैं, रो HG रो है, वो राइट लिम्ब में एटमोस्फेयर को ओपन है, और उसका उसका और सेंटर ऑफ प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस है या जो हाइट है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। यही ये वाला बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन पाइप, मतलब पॉइंट ए पे क्या प्रेशर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। इफ द डिफरेंस ऑफ मर्करी लेवल इन द टू लिम्ब इज 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ कि मर्करी जो है वो इधर भी फैला हुआ है दूसरे लिम्ब में ही, और ये बोल रहा है कि जो डिफरेंस है मर्करी और दोनों के बीच का, ये वो हमारा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको ये हमारा जो है वो डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक बार फिर से रीड करते हैं। और राइट लिम्ब ऑफ सिंपल यूटोमैनोमीटर कंटेनिंग मर्करी इज ओपन टू एटमोस्फेयर वाइल लेफ्ट लिम्ब इज कनेक्टेड टू अ पाइप। तो मतलब हमें एक सिंपल यूटोमैनोमीटर का डायग्राम बनाना है, या अगर आप केवल यूट्यूब ही ऐसे बना दोगे, उसमें ये बोल रहा है कि जो राइट लिम्ब है उसमें वो मर्करी, मतलब मैनोमेट्रिक फ्लूड हमारा मर्करी है, ये कन्फर्म हो गया, और उसका राइट लिम्ब एटमोस्फियर को ओपन है, जबकि जो लेफ्ट लिम्ब है वो उसके एक पाइप या एक कंटेनर के साथ अटैच है, इस केस में वो पाइप के साथ अटैच है। उसके बाद ये बोल रहा है कि जो पाइप में जो फ्लूड फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो फ्लूड है उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितना है, 0.9 है। और ये बोल रहा है कि द सेंटर ऑफ पाइप, ये पाइप का जो सेंटर वाला पॉइंट है और राइट लिम्ब में जो मर्करी है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस लेवल है वो कितने का है, 12 सेंटीमीटर का है, क्लियर है। तो आप चाहो तो आप इसको H1 भी नाम दे सकते हो, या फिर 12 भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। और क्या दिया हुआ है, बस इतना ही दिया हुआ है। और बस ये बोल रहा है कि प्रेशर फाइंड आउट करो, मतलब प्रेशर एट पॉइंट वन फाइंड आउट करना है, या सेंटर ऑफ प्रेशर पाइप में कितना होगा पॉइंट ए पे वो फाइंड आउट करना है, अगर मर्करी का लेफ्ट और राइट लिम्ब के बीच में, ऑब्वियसली मर्करी क्या होगा, इधर और इधर होगा, याद आ रहा है ना डिफरेंशियल, अरे मैं जब यूट्यूब मैनोमीटर हमने किया हुआ था, कॉपी में देखिए, तो उसका एक पोर्शन लेफ्ट वाले में रहता है, एक राइट में रहता है। तो ये बोल रहा है कि लेफ्ट और राइट के बीच में जो मर्करी के डिफरेंस का जो डिफरेंस लेवल है वो 20 सेंटीमीटर का है। तो इतना डेटा दिया हुआ है और उसके बेसिस पे हमें प्रेशर रेट ए निकालना है। तो देखिए, इतना अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो आप ये मान करिए कि एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन का समझ लिए हैं और 50% पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ करना नहीं है, बस गिवन डेटा लिखना है। तो देखिए, गिवन डेटा में क्या क्या दिया हुआ है, अगर ये फ्लूइड का डेंसिटी 0.9 दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको रोवन से नाम दे लूँ, तो रोवन स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 कितना दिया हुआ है, या फ्लोइंग ये लिख लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूड, जिसको कि मान लीजिए मैं S1 दे रहा हूँ, तो वो कितना दिया हुआ है, 0.9। तो डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूड कितना हो जाएगा,
जिसको कि मान लीजिए मैं रो वन नाम दे रहा हूँ और इसको एस वन दिया हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू क्या होता है, रो अपॉन 1000। तो रो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 9000 केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। दूसरा हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूड जो है वो दिया हुआ है क्या, मरकरी। तो डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड, इसको मैं मान लीजिए रो टू नाम दे रहा हूँ, तो इसका कितना होता है 13600 केजी पर मीटर क्यूब। देखिए ये वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए याद रखिएगा जनरली एचजी जो होता है, मैनोमेट्रिक फ्लूड होता है, उसका डेंसिटी 13600 केजी पर मीटर क्यूब होता है, या कभी कभी दिया रहेगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एस इक्वल टू 13.6 दिया रहेगा, तो 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगा। और हमारा क्या दिया हुआ है कि ये जो हाइट दिया हुआ है इसको अगर मैं H1 बोलूं, तो H1 जो दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर मतलब 0.12 मीटर दिया हुआ है, और H2 जो है वो 0.2 मीटर हो जाएगा। H1 क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर पाइप और लेफ्ट लीन में जो मरकरी है उनके बीच का हाइट 12 सेंटीमीटर है, तो मतलब मैं इसको लिख भी देता हूँ, H1 इक्वल टू ये हो जाएगा और ये है H2 इक्वल टू, H2 यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, H1 यहाँ से लेके यहाँ तक का है। हमें पॉइंट ए पे प्रेशर निकालना है, क्लियर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक आ जाए, क्लियर है, या आप यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे चले जाएं, या सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं जो हम लोग अभी आज कैलकुलेट करने वाले हैं, अब आप वो फाइंड आउट करो वो प्रेशर जहाँ पे मरकरी जो है उसका कनेक्टिंग पॉइंट है और दोनों का लेयर सेम होने वाला है। तो अगर मैं नेमिंग करूँ कि यहाँ पर अगर ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि प्रेशर एट पॉइंट सी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी होने वाला है। और इसी अप्रोच को लेकर देखिए, आप घर में क्या करिए, लेफ्ट जैसे हमने पिछले में डिफरेंशियल वाले में बनाया, लेफ्ट से लेके राइट में गए, राइट से लेके लेफ्ट में गए, वो भी आप पोर्शन कर सकते हो, या सबसे बेस्ट तरीका है ये याद करो कि आप वो पॉइंट फाइंड आउट करो जहाँ पे आप ये शो कर सकते हो कि दो कनेक्टिंग फ्लूड जो है वो कनेक्टेड है और उनके दो हॉरिजॉन्टल लेयर के बीच में प्रेशर जो है वो इक्वल होने वाला है। तो अगर आप पॉइंट सी देखोगे और पॉइंट डी देखोगे, दोनों यहाँ पे किससे कनेक्टेड हैं, एचजी से कनेक्टेड है, मतलब एचजी से कनेक्टेड है। और तो इसका अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूँ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूँगा तो पॉइंट सी और डी दोनों एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे होंगे, तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रेशर एट सी इक्वल टू प्रेशर एट डी हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हम लिख सकते हैं कि प्रेशर एट पॉइंट सी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी हो जाएगा। अब देखिए प्रेशर एट पॉइंट सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर एट ए वो यहाँ पे होगा, और प्लस देखिए ये वाला हाइट मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये वाला हाइट अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट 12 है और यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट अगर 20 है, तो ये वाला हाइट है वो कितना हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और मान लीजिए मैं इसको H3 नाम दे रहा हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट मुझे पता चल गया H3 हो गया, तो मैं अब क्या लिख सकता हूँ, प्लस रो वन जी इंटू H3, पॉइंट सी तक का प्रेशर निकल जाएगा, प्रेशर एट ए प्लस ये वाला हाइट अगर ये 12 है और ये टोटल 20 है तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा प्रेशर एट पॉइंट सी के लिए, प्रेशर एट पॉइंट ए वही अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने ए डैश दे रहा था तो वही इक्वल हो जाएगा, और ए डैश से सी आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। और अगर इसका डेंसिटी रो वन है और हाइट एस थ्री है, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा हमारा प्लस रो वन जी एस थ्री हो जाएगा। अब हमें मान लीजिए पॉइंट डी पे आना है, तो इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट डी पे प्रेशर, ये तो एटमॉस्फेयर को है और एटमॉस्फेयर को डेटम माना जाता है, मतलब यहाँ पे प्रेशर हमारा कितना होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो जीरो होने वाला है, तो अगर इस पॉइंट को मैं ई बोलूँ तो प्रेशर एट ई इक्वल टू जीरो, बिकॉज इट इज़ ओपन टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को हम डेटम लेते हैं, तो डेटम पे कोई भी वैल्यू की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है।
तो अगर मैं ई से डी की तरफ मूव करूं, तब हमारा कितना हो जाएगा प्रेशर की वैल्यू, हाइट कितना है 20 है और फ्लूड की डेंसिटी कितना है, उसको हमने रो टू से डिनोट किया है, तो यानी रो टू जी इंटू एच टू हो जाएगा, जिसको कि मैं एच टू से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक के हाइट को। अब मान लीजिए मुझे प्रेशर रेट ए निकलना है, तो प्रेशर रेट ए प्लस रो वन कितना है, रो वन इक्वल टू 900 इंटू 9.81 इंटू एच टू कितना है, एच टू कितना है सॉरी एच थ्री 0.8 है, तो 0.08 हो जाएगा, इक्वल टू रो टू कितना है हमारा 13600 इंटू जी की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 9.81 इंटू एच टू कितना है 0.2 है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इसको सॉल्व कर लीजिए, 13600 इंटू 9.81 इंटू 0.2 माइनस 900 इंटू 9.81 इंटू 0.08। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कैलसी एक मिनट कैलसी ले लेते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करें तो जी, तो हमारा आंसर आ रहा है 25976.88 पास्कल आ जाएगा, तो ये हमारा पी ए की वैल्यू हो जाएगी। एक बार आप लोग मिला लीजिए, क्लियर है। हमने क्या किया है, प्रेशर एट पॉइंट ए कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या किया कि हमें ये पता है कि जब दो फ्लूड जो है कनेक्टेड रहते हैं तो पॉइंट सी और पॉइंट डी पे प्रेशर जो है वो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेयर और सेम कनेक्टिंग फ्लूड है तो वो इक्वल होने वाला है, तो हमने क्या किया कि प्रेशर एट सी, तो वो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इधर से कैलकुलेट करें तो प्रेशर एट ए प्लस रोवन जी एच थ्री, ये वाला हाइट हमको पता है H3 थ्री इक्वल टू डीप, यानी के लिए यहाँ पे एटमोसफियर है तो एटमोसफियर पे डेटम लिया जाता है, तो वहाँ पे गेज प्रेशर जीरो होता है, तो जीरो है पॉइंट ई पे प्रेशर, तो ई से डी तक आने के लिए हमें क्या हो जाएगा, रो टू डेंसिटी रो टू है जी एच टू है। अब वैल्यू को पुट कर लीजिए, पी ए हमें निकालना है, रो वन की वैल्यू 900 दिया हुआ है, जी की वैल्यू 9.81, एच थ्री की वैल्यू ये टोटल 20 था तो 12 माइनस कर दिए तो 8 हो गया, तो 0.08 सेंटीमीटर में है तो मीटर में, इंटू रो टू की वैल्यू 13600 एच जी का होता है वो हमें याद रखने की ज़रूरत है, बराबर काम आएगा 9.81 इंटू 0.2 यहाँ से लेके यहाँ तक का है टोटल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला वैल्यू हमारा क्या है आ जाएगा। अब आप ये वाला पोर्शन किए, एक पोर्शन और मैं भी कर सकता हूँ कि यहाँ से लेके और हम यहाँ पर आएँ तो वहाँ से भी हमारा जो है, एक बार मैं आपको पहला बार करके दिखा देता हूँ, बाकी आप कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे प्रेशर हमारा कितना है, जीरो है, तो अब ई पे प्रेशर जीरो है, ई से लेके अगर हमें डी पे आना है तो ई से लेके अगर हमें डी पे आना है तो हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा प्रेशर रो टू जी, इसको तो आप अंडरलाइन ही कर लीजिए कि ये हमारा एक्चुअली एक आया हुआ आंसर, रो टू जी इंटू एच टू हो जाएगा पॉइंट डी पे, जो पॉइंट डी पे प्रेशर है वही पॉइंट सी पे होगा, तो हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि डी से सी तक, तो हम सी पे आ गए। अब सी से पॉइंट ए डैश पे, तो माइनस कितना हो जाएगा हमारा, रो वन जी
एस थ्री हो जाएगा, इस हाइट को हमने एस थ्री डिनोट किया हुआ है। अब हम पॉइंट किस पे आ गए, पॉइंट ए डैश पे आ गए। अब ये जो पॉइंट ए डैश पे जो प्रेशर है वही पॉइंट ए पे प्रेशर है, तो ये हमारा राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो पी ए इक्वल टू भी यहाँ पे क्या आया था, वही सेम आया था रो टू। अगर मैं यहाँ पे अगर पी ए को लिखने की कोशिश करूँ तो क्या हो जाएगा, रो टू जी एच टू माइनस रो वन जी एच थ्री, वही आ रहा है रो टू जी एच टू माइनस रो वन जी एच थ्री इक्वल टू पी ए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहाँ से भी आ जाएंगे, या आप यहाँ से भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ से कैसे आ सकते हैं, देखिए पी ए प्रेशर एट ए वही यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगा, प्लस यहाँ से यहाँ तक आने में हमारा क्या हो जाएगा रो वन जी एच थ्री, यहाँ तक प्रेशर यही प्रेशर डी के बराबर हो जाएगा, तो ये डी हो गया हमारा, ठीक है। अब डी से हम ई पे जा रहे हैं तो माइनस रो टू जी एच टू, और ये जो प्रेशर है ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड यहाँ पे प्रेशर कितना है इक्वल टू जीरो, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा रो टू जी एच टू माइनस रो वन जी एच थ्री। देखिए वही सेम चीज़ आ रहा है, तीनों हमने तीनों तरीके से कैलकुलेट किया, यहाँ से भी यहाँ गए, यहाँ से भी यहाँ गए, या फिर वो बीच वाला पॉइंट जहाँ पे वो फाइंड आउट करिए जहाँ पे इक्वल प्रेशर होगा, और वैल्यू को पुट करके हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारा स्टेप वन था, ये हमारा दूसरा तरीके से आ सकता है, और ये हमारा तीसरे तरीके से आ सकता है। पहले तरीके में वो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे जो मैनोमेट्रिक फ्लूड है वो कनेक्टेड होगा, तो ऑब्वियसली जो सेम ओरिजेंटल लेयर पे इक्वल होगा, तो सी और डी पे इक्वल होगा। इधर से आप सी की वैल्यू पे प्रेशर कैलकुलेट कर लीजिए, इधर से दोनों को इक्वेट कर लीजिए, वहाँ से एक आंसर आ जाएगा। या आप यहाँ से मूव करिए तो क्योंकि लिम्ब एटमोसफियर को मतलब कि है तो वहाँ पे प्रेशर जीरो, तो यहाँ से यहाँ आए फिर ये बराबर हो जाएगा, इसमें फिर ये माइनस कर दिया वो इक्वल टू कितने हो गया पी ए के बराबर हो गया। या यहाँ से मूव करिए पी ए ये वाला हाइट प्लस कर दीजिए, यहाँ से फिर यहाँ ट्रांसफ़र हो गए, यहाँ से यहाँ तक जाने में माइनस कर लिए और इक्वल टू एट द एंड में जीरो है वहाँ पे प्रेशर, इसको सॉल्व करिए तो फिर ये भी सेम वैल्यू आ गया। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। सो फ्रेंड आज का दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए दूसरा न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग रीड करते हैं, देन इसको वही सेम स्टेप गिवन डेटा लिखना है और यहाँ पे डायग्राम बनाना है रीड करके। अ सिंपल यू टू मैनोमीटर कंटेनिंग मरकरी इज कनेक्टेड टू पाइप इन अ विच अ फ्लूड इज फ्लूड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 इज फ्लोइंग, द अदर एंड ऑफ मैनोमीटर इज ओपन टू एटमोसफेयर, फाइंड प्रेशर इन पाइप इफ द डिफरेंस ऑफ मर्करी लेवल इन टू लिम्ब इज 40 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ फ्लूड इन लेफ्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाइप इज 15 सेंटीमीटर। तो ये तो होल रीड करेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा लाइन बाई लाइन। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर, तो आपको आँख बंद करके एक यू ट्यूब मैनोमीटर का जो डायग्राम होता है वो आपको बना देना है, वो कुछ इस तरीके से होता है। ये हमने अभी तक देखा है कि सिंपल यू टू मैनोमीटर का डायग्राम होता है जिसमें यहाँ पे क्या होता था, हमारा फ्लूड होता था जो कि फ्लोइंग फ्लूड होता है, इसका सेंटर ऑफ एक पॉइंट होता है जहाँ पे हमें जनरली फ्लूड का प्रेशर निकालना रहता है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, अ सिंपल यू टू मैनोमीटर कंटेनिंग एच जी मरकरी, मरकरी मतलब मैनोमेट्रिक फ्लूड हमारा क्या है, मरकरी है, ये तो क्लियर हो गया। इस कनेक्टेड टू पाइप इन विच अ फ्लूड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहाँ पे जो फ्लूड फ्लो हो रहा है उसका एस की वैल्यू दिया हुआ है 0.8, और यहाँ पे एक मैनोमेट्रिक फ्लूड आने वाला है, अभी उसको बनाते हैं। द अदर एंड ऑफ मैनोमीटर ओपन टू एटमोसफियर, ऑब्वियसली एक एंड इसका पाइप से कनेक्टेड होगा और दूसरा एटमोसफियर को ओपन है, ठीक है। यहाँ तक प्रेशर फाइंड आउट करना है पाइप में। इफ द डिफरेंस ऑफ मर्करी लेवल इन टू लिम्ब इज 40 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि अगर मान लीजिए ये लेफ्ट लिम्ब है और ये एक राइट लिम्ब है,
तो इनके बीच में मरकरी जो डिफरेंस है, यानी यहाँ पे हमारा क्या है, रेड से हम डिनोट करेंगे मरकरी को। तो इस तरीके से मरकरी ये फील्ड है जिनके बीच में जो डिफरेंस है, ये दो लिंब के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है, 20। कितना? द डिफरेंस ऑफ मरकरी इन टू लिंब इज 40 है, 40 सेंटीमीटर है। यहाँ तक हमारा हुआ, पहला एक एंड उसका कनेक्टेड है पाइप में, दूसरा एंड एटमोस्फेयर में खुला हुआ है, और दो लिंब के बीच में, दो लेफ्ट लिंब ये हो गया, राइट लिंब हो गया, दोनों के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है वो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है, एंड द हाइट ऑफ द फ्लूड इन लेफ्ट, द हाइट ऑफ फ्लूड इन लेफ्ट, लेफ्ट लिंब का बात कर रहा है, हाइट ऑफ द फ्लूड इन लेफ्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ पाइप इज 50 सेंटीमीटर बिलो। मतलब अगर ये सेंटर ऑफ पाइप है तो यहाँ भी लेफ्ट लिंब में वो जो पर्टिकुलर जो फ्लूड फ्लो कर रहा है वही यहाँ पे भी है लेफ्ट वाले लिंब में, और सेंटर ऑफ प्रेशर से लेफ्ट वाले लिंब में ये हाइट को बोल रहा है कि ये है 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये हमारा डेटा, या ये हमको पढ़ने के बाद क्वेश्चन, ये हमारा डायग्राम बनेगा कि यू ट्यूब मैनोमीटर एक इंड उसका पाइप में कनेक्टेड है, दूसरा इंड एटमोस्फेयर में ओपन है, लेफ्ट और राइट लिंब जो कि मैनोमेट्रिक फ्लूड भरा हुआ है उनके बीच का जो हाइट है वो 40 सेंटीमीटर है, जबकि लेफ्ट लिंब में सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ पाइप और जो फ्लूड के बीच, फ्लूड का जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है, और हमें प्रेशर एट पॉइंट ए निकालना है। और हमें दिया क्या क्या है, गिवन डेटा अगर हम लिखेंगे तो गिवन डेटा में हमारा हो जाएगा, गिवन डेटा में हमारा क्या हुआ है, रो वन की वैल्यू, एस वन की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.8। तो अब तो आप लोग निकालने जान के होंगे कि उसको क्या करना है, S1 को क्या करना पड़ेगा, S1 मल्टीप्लाई बाई रो ऑफ वाटर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू 1000, तो 800 kg पर मीटर क्यूब। अगर मैं रो टू इसको बोलूँ, इसको मैं रो वन बोल रहा हूँ, और इसको मैं अगर रो टू बोलूँ, तो मैनोमेट्रिक फ्लूड यहाँ पे लिख लीजिएगा, डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक, लिखना लिख ही लेते हैं, मैनोमेट्रिक फ्लूड जिसको कि मैं रो टू से डिनोट कर रहा हूँ वो कितना हो जाएगा, 13,600 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है? तो ये डेटा दिया हुआ था और साथ में हाइट भी दिया हुआ है। अगर मैं इसको H1 डिनोट करूँ, ये वाले हाइट को अगर मैं H1 डिनोट करूँ, तो H1 की वैल्यू हो गया है 40 सेंटीमीटर, और ये हाइट को अगर मैं H2 बोलूँ तो 50 सेंटीमीटर। तो H1 जो है वो दो मैनोमेट्रिक फ्लूड के डिफरेंस को बता रहा है, कितना, 40 सेंटीमीटर, और H2 लेफ्ट लिंब में, या किसी को भी H1 H2 ले सकते हैं, अल्टीमेटली उसका इफेक्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा जब हम प्रेशर को लिखेंगे। तो अब हम लोग सेम क्या करेंगे, प्रेशर ए पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखिए, सेम वो पॉइंट फाइंड आउट करिए जहाँ पे दो कनेक्टिंग फ्लूड है और वहाँ पे प्रेशर जो है वो हमारा क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। तो देखिए, मैनोमेट्रिक फ्लूड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड यहाँ पे हो रहा है, मतलब ये वाले लिंब में अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ, तो अगर ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, तो मैं लिख सकता हूँ कि प्रेशर एट सी इक्वल टू प्रेशर एट डी, बिकॉज सेम मैनोमेट्रिक फ्लूड कनेक्टेड है एंड सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, स्टेटेड है। तो अब प्रेशर एट सी में क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर एट ए यहाँ तक का, यहाँ का भी प्रेशर वही होगा, प्लस रो वन जी इंटू एच टू लिख सकता हूँ, एच टू हाइट है और रो वन मैनोमेट्रिक फ्लूड, ये फ्लोइंग फ्लूड है, ये तो पी सी का प्रेशर हो गया। ये इक्वल टू कितना होगा, पी डी के, यहाँ का प्रेशर अगर मैं ये पॉइंट ई बोलूँ, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर को ओपन है, तो गेज प्रेशर हमारा ई पे कितना होने वाला है, 0। तो डी पे कितना हो जाएगा, ये हाइट के कारण, तो और रो टू फ्लूड है, रो टू जी इंटू एच टू। क्लियर है?
तो यहाँ से हमारा PA क्या हो जाएगा, रो टू जी, सॉरी यहाँ H1 हो जाएगा, इसको हम लोग H1 से डिनोट कर रहे हैं, तो रो जी H1 माइनस रो वन जी H2। ज़्यादा अच्छा लगता कि इसको, अच्छा ठीक है कोई नहीं, कि रो वन जहाँ लिख रहे हैं वहाँ पे हम H1 डिनोट करें, और जहाँ पे ठीक है अभी तो रहने देते हैं, वो आप कुछ भी उसे चेंज नहीं होने वाला है कुछ भी। तो अब रो टू की वैल्यू हमने क्या लिया हुआ है, रो टू की वैल्यू हमारा होता है 13600, 9.81 इंटू H1 कितना है 40 सेंटीमीटर, मतलब 0.4 मीटर में। रो वन की वैल्यू कितना है 800 इंटू 9.81 इंटू H2 की वैल्यू कितना है 0.15 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 52, 189.2 पास्कल। देख लीजिए, सिंपल मैनोमीटर, मैनोमीटर का डायग्राम हम लोग बना लेंगे, गिवन डेटा लिख लेंगे, वो पॉइंट आउट फाइंड करेंगे जहाँ पे हमारा प्रेशर इक्वल होने वाला है, तो प्रेशर एट पॉइंट सी और डी इक्वल होगा क्योंकि सेम मैनोमेट्रिक फ्लूड कनेक्टेड है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे सिचुएटेड है, तो सी और डी पे, तो इधर से सी तक का निकाल लीजिए, इधर से डी तक का निकाल लीजिए, दोनों को इक्वेट कर लीजिए, ये वैल्यू आ जाएगा। या एक और मैं बना सकता हूँ, वो पिछले भी क्लास में डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ से मूव करके यहाँ पे आता हूँ, आप लोग क्या करिएगा, यहाँ से मूव होके यहाँ तक जाइएगा और उसको सॉल्व, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। तो कोई भी एक मैं यहाँ पे बना देता हूँ, मान लीजिए हम लोग, या हम आप लोग इधर से आके यहाँ आइएगा, मैं यहाँ से ऐसे चले जाता हूँ, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो प्रेशर एट पॉइंट ए लिख सकता हूँ, पी ए हो गया, वही यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस रो वन जी H2 हो जाएगा, रो वन जी एच टू, तो पॉइंट C तक आ गया। अब C से डायरेक्ट मैं D पे मूव कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इतना ऐड करूँगा और उतना माइनस, तो अल्टीमेटली रिजल्ट जीरो ही होगा इसका नेट इफेक्ट। अब D से E जाना है, तो माइनस रो टू जी एच वन इक्वल टू, अब यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि ये एटमोसफियर को ओपन है, वहाँ पे गेज प्रेशर कितना होता है जीरो, तो इक्वल टू जीरो, तो PA इक्वल टू हमारा क्या मिल गया, रो टू जी एच वन माइनस रो वन जी एच टू। क्या वही इक्वल है, रो टू जी एच वन माइनस रो वन जी एच टू के बराबर है, क्लियर है। अगर मैं यहाँ से इधर की तरफ मूव करूँ, तब देखिए प्रेशर यहाँ पे कितना है जीरो, ई से डी तक मूव करूँगा तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, रो टू जी एच वन, पॉइंट डी तक का मिल गया, यहाँ C के बराबर हो जाएगा D और C पे। अब C से अगर यहाँ पे मूव करूँ तो माइनस रो वन जी एच टू, पॉइंट यहाँ तक आ गया। अब ये किसके इक्वल है, इक्वल टू PA के इक्वल है, तो ये इसमें भी वही सेम आया, देख लीजिए। तो किसी भी तरीके से बनाइए, यही चीज़ हमें कैलकुलेट करने को आएगी। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन 2 था आज का। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम लोग और भी न्यूमेरिकल देखेंगे, पहले ये दो चीज़ आप लोग अच्छे से करिए और वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं।